नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल नामदेव जी के क्लास में। दोस्तों अभी अभी आपको न्यूज़ देखने को मिलेगी कि ग्रुप सी के 6 माह बाद ग्रुप डी की परीक्षा होगी। अभी फ्रेंड्स 5 और 6 नंबर का जो एग्ज़ाम होगा वो सिर्फ आपका ग्रुप सी के लिए एग्ज़ाम होगा और ग्रुप डी का एग्ज़ाम फ्रेंड्स आपका बाद में लिया जाएगा। लिखित परीक्षा के आधार पर ही मिलेगी नौकरी, इंटरव्यू नहीं होगा। इंटरव्यू जो कि बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया गया है HSSC ने और सिर्फ लिखित परीक्षा के आधार पर ही नौकरी मिलेगी। हरियाणा में ग्रुप सी के 6 महीने बाद ग्रुप डी की संयुक्त पत्र परीक्षा 5 और 6 नंबर को होने वाली इस परीक्षा के लिए प्रदेश सरकार ने तैयारियां पूरी कर ली है। CET पास करने वाले अभ्यर्थियों में से मेरिट आधार पर 4 गुना बुलाए जाएंगे। यानी फ्रेंड्स अगर आपकी एक पोस्ट है तो वहाँ पर आपको 4 कैंडिडेट बुलाए जाएंगे। इस तरफ 100 पोस्ट है तो 400 कैंडिडेट बुलाए जाएंगे, 4 गुना कैंडिडेट बुलाए जाएंगे लिखित परीक्षा के लिए। इंटरव्यू जो कि बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया है। CET के लिए 11.36 लाख यानी कि करीब करीब 11.5 लाख युवाओं ने पंजीकरण किया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि परीक्षा देने वाले युवा अपना एडमिट कार्ड दिखाकर रोडवेज बसों में मुफ्त यात्रा कर सकेंगे। अगर आपका एडमिट कार्ड जारी होने के बाद फ्रेंड्स आपका जहाँ भी एग्जाम सेंटर है वहाँ पर जाने के लिए आप बसों में आप अपना एडमिट कार्ड दिखाइए और आपको टिकट लेने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। आपका बिल्कुल फ्री पास मानना होगा, एक तरह से एडमिट कार्ड आपका है बस पास माना जाएगा। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने 15 जिलों में 2000 परीक्षा केंद्र ऑफर किए हैं। अब हरियाणा के अंदर 15 जिलों के अंदर ये परीक्षा होने जा रही है जो कि 2000 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। इस तरह फ्रेंड्स परीक्षा की जो शिफ्ट रहेगी वो 4 शिफ्ट होगी, 5 को 2 शिफ्ट और 6 तारीख को भी 2 शिफ्ट। 15 दिसंबर तक आएगा रिजल्ट जो फ्रेंड्स इसका 15 दिसंबर तक आएगा। मेरिट आधार पर सफल अभ्यर्थियों में से विभागों के विकल्प लेकर नियुक्ति के लिए परीक्षा कराई जाएगी। ग्रुप सी के पदों के लिए 12वीं पास या उससे अधिक शैक्षणिक योग्यता वाले हिस्सा ले सकते हैं और ग्रुप डी के लिए आपको पता फ्रेंड्स 10वीं पास ही शैक्षणिक योग्यता मान्यता की गई है। तो फ्रेंड्स ये थी आज की न्यूज़ ग्रुप सी के और ग्रुप डी के एग्जाम से रिलेटेड जो कि 5-6 नवंबर को होने जा रहा है। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।